दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। रीवा जिले के लिए प्राप्त 31 एम्बुलेंस को पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर विभिन्न विकास खंडों के लिए रवाना किया। जिले में पहले से 12 एम्बुलेंस संचालित है, वहीं अब नई एम्बुलेंस को मिलाकर अब जिले में 108 एम्बुलेंस की कुल संख्या 43 हो गई है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों 2053 एम्बुलेंस गाड़ियों को प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया था। जिला अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट प्रणाली से संचालित जननी एवं 108 एम्बुलेंस ऐप के माध्यम से घर में बुलाई जा सकती है। ये उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी जो सड़क दुर्घटना में घायल हो जाते हैं। इसके साथ ही ऐसे मरीज जिन्हें जिला या फिर स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर रेफर किया जाता है, उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। वहीं पहले जो गाड़ियां थी वो पुरानी हो गई थी और अब ये नई गाड़ियां मरीजों के लिए वरदान साबित होगी। इनमें से कुछ गाड़ियों में आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के उपकरण भी लगाए गए हैं, जिसमें तत्काल मरीज को मदद दी जा सकेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के लिए साधुवाद दिया। विधायक श्री शुक्ल ने जिला अस्पताल परिसर में नवनिर्मित सुलभ कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने अत्याधुनिक लॉन्ड्री सिस्टम मशीन के लिए 24 लाख रुपए विधायक निधि से देने की घोषणा भी की। इस अवसर पर एसडीएम अनुराग तिवारी, सीएमएचओ एनएन मिश्रा सहित चिकित्सक और स्थानीय जन उपस्थित रहे। आज 108 एम्बुलेंस जो कि वरदान साबित हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों में उन लोगों के लिए जो रोड एक्सीडेंट में अचानक घायल हो जाते हैं या गांवों में बीमार हो जाते हैं, और जननी सुरक्षा एक्सप्रेस जो ऐसे लोगों को जिनके घर में वाहन नहीं है और अचानक अस्पताल में भर्ती करने की गुंजाइश ज़रूरत पड़ती है, तो ये जननी सुरक्षा एक्सप्रेस उन तमाम परिवारों के लिए वरदान साबित हुआ है। उसके लिए जो गाड़ियां चलती थी पुरानी हो गई थी, तो आज बड़ी खुशी की बात है कि 31 गाड़ियां रीवा ज़िले के लिए अलॉट हुई हैं, जिसमें 108 एम्बुलेंस भी है और जननी सुरक्षा भी है। ये वेल इक्विप्ड हैं एम्बुलेंस, इसमें तमाम तरह की आधुनिक मशीनें हैं जो ट्रॉमा में यदि कोई पेशेंट है तो तत्काल उसको एम्बुलेंस में ही राहत मिलती है और फिर उनको जिला अस्पताल में या संजय गांधी अस्पताल में पहुँचाने का काम होता है। तो पुरानी जो गाड़ियां थी उसकी जगह जो नई गाड़ियां यहां पर उपलब्ध हुई हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे अभूतपूर्व कार्य हैं उसका परिणाम है। तो मैं सभी को इसके लिए बधाई देता हूँ।